गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट मीन्स कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, राइट द फिजियोलॉजिकल रीजन व्हाई अ वुमेन जनरली कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। कि वो फिजियोलॉजिकल रीजन बताइए जिसकी वजह से एक वुमेन बच्चा कंसीव नहीं कर सकता, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती 50 ईयर्स की एज के बाद। तो ये वाला पार्ट हमारा मिस हो गया था। हम सिंपली उसको कहते हैं कि अगर, जैसे हमने कहा था कि ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको हम मेनार्क कहते हैं। एंड एट द एज ऑफ 55 फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उनका मैच्योरेशन होना बंद हो जाता है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। पॉज मीन्स रुक जाना और मेनो मीन्स मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज। तो यहाँ पे हमको बताना है कि आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज द वुमेन अंडरगोज मेनोपॉज, सो नो मोर ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर एंड ओवम इज रिलीज्ड। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होएंगी, ओवम रिलीज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली द वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड। ये लास्ट क्वेश्चंस जो थे, लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो बाय मिस्टेक इसमें लिखे गए, तो इसलिए हम इन्हें नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई आर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी में क्यों एब्सेंट रहती है, तो इसका आंसर रहेगा बच्चे कि हमने देखा था कि जब ओवुलेशन होता है तो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है कॉर्पस ल्यूटम बना के, और वो प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। अब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हो जाता है, जैसा मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन द कॉर्पस ल्यूटम विल रिमेन एक्टिव, यानी कॉर्पस ल्यूटम कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, और जब कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी तो एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं होगी, और जब तक एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं होगी तब तक मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटम एंड असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। थर्ड क्वेश्चन आता है, मेंशन द नेम एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट यूटराइन वॉल लेयर्स इन द ह्यूमन। सबसे पहले आप ये देखें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लगता ये एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग तरह से आते हैं और किस तरह से आपको देखना है, एंड विच वन ऑफ देम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले आया है मेंशन द नेम ऑफ द यूटराइन वॉल लेयर इन द ह्यूमन। तो आप सबसे फर्स्ट हेडिंग में डालोगे कि इन द यूटराइन वॉल लेयर थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, द आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। अब अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आपको हर लेयर को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, लाइक पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, एंड एंडोमेट्रियम जो है रिच इन ब्लड सप्लाई विद द कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके अंदर पूछा गया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट यूटराइन वॉल लेयर, तो इसमें यह बताना है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रेक्शन करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी बर्थ ऑफ द बेबी, एंड एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है उसकी ग्रोथ और रिग्रेस होती है अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर इसमें पूछा है विच वन ऑफ देम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिकल चेंजेस, यानी कि एक बार डीजनरेट हुई फिर वापस से प्रोलिफरेट हुई, प्रोलिफरेट होने के बाद फिर डीजनरेट हुई, तो वो साइक्लिकल चेंजेस हुए, तो कौन सी लेयर साइक्लिकल चेंजेस में जाती है, तो आंसर विल बी एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द मेनार्क एंड द मेनोपॉज। अगेन मेनार्क इज द इनिशियल और स्टार्टिंग ऑफ द
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क विच अकर एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हाइल व्हेन देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस, ड्यूरिंग मेनार्क वन ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल रिजल्ट्स इनटू द ओवुलेशन. मेनोपॉज में हमें लिखेंगे कि द ग्राफियन फॉलिकल डज नॉट मैच्योर. जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगी तो नेचुरली ओवुलेशन भी नहीं होगा. मेनार्क में हम ये कह सकते हैं इट शोज द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि बिगनिंग बताता है रिप्रोडक्टिव फेज का. एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ये रिप्रोडक्टिव फेज के को एंड बताता है, कि ये बताता है कि यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया है. जब हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसमें हम लोग ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज प्री रिप्रोडक्टिव, सेकेंड रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो ये फेज रिप्रोडक्टिव फेज को डिटरमाइन करता है या मार्क करता है और ये फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को मार्क करता है. नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ह्यूमन ओवरी ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर एंड ल्यूटल फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसमें मैंने आप लोगों को जो ओवरी के अंदर चेंजेस बताए थे लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने आप लोगों को ये ओवरी के अंदर चेंजेस बताए थे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर. तो ये वाले आपको ड्रॉ करके और फिर उसे एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी फॉलिकल किस तरह से सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड एट द 14th डे ओवुलेशन होता है. देन द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटम. इफ ओवा डज नॉट गेट फर्टिलाइज देन इट फॉर्म कॉर्पस एल्बिकेंस. तो ये वाले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके और उसे एक्सप्लेन करना है. किस चैप्टर, किस पार्ट में बेटा? डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन द ह्यूमन ओवरी ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर एंड द ल्यूटल फेज. तो क्योंकि अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो फॉलिक्यूलर फेज में हम लोगों को इसमें बताना पड़ेगा कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्शरी और टर्शरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है. जबकि ल्यूटल फेज में जब ओवुलेशन हो जाता है तो जो ग्राफियन एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म करती है एंड इट बिकम एंडोक्राइन इन नेचर. नेक्स्ट आता है मेंशन द साइट ऑफ एक्शन एंड सोर्स ऑफ द हार्मोन. यानी आपको मेंशन करना है, एक तो साइट ऑफ एक्शन मेंशन करना है और दूसरा आपको सोर्स मेंशन करना है कौन से हार्मोन्स का, GnRH का और FSH का. तो सबसे पहले अगर अपन को हेडिंग डालना पड़ेगा GnRH, फिर GnRH में आप फर्स्ट सब हेडिंग डालोगे द सोर्स ऑफ GnRH. तो आप सोर्स ऑफ GnRH क्या बताया था बच्चों मैंने? सोर्स ऑफ GnRH इज हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसका सोर्स हो गया. और साइट ऑफ एक्शन कहाँ हुआ बेटा, ये किस पर इफेक्ट करता है या किसको इनिशिएट करता है? तो GnRH इनिशिएट इन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो सोर्स हुआ इसका हाइपोथैलेमस और साइट ऑफ एक्शन हुई एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिससे कि वो FSH और LH रिलीज करता है. अब सेकंड हार्मोन आ गया बेटा. अब इधर ये भी दे रखा है गिव वन फंक्शन ऑफ ईच, दोनों का एक एक फंक्शन बताना है. तो इसमें हम GnRH का फंक्शन बताएंगे कि ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू रिलीज FSH एंड LH सो दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर. अब अपन लिखेंगे FSH. FSH का एक सब हेडिंग डालेंगे सोर्स. सोर्स विल बी द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड द साइट ऑफ एक्शन विल बी द इट एक्ट ऑन द फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी. ओवरी की फॉलिकल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और फॉलिकल सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है. तो ये सोर्स हो गया. सोर्स क्या हुआ बच्चे FSH का? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. साइट ऑफ एक्शन क्या हुआ? साइट ऑफ एक्शन हुआ ओवरी. और कहाँ पे एक्शन हो रहा है? तो ओवरी में. कहाँ पे बेटा? फॉलिकुलर सेल्स में. नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन, डिस्क्राइब
हाउ द चेंजिंग लेवल ऑफ FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इन द ह्यूमन फीमेल। ये मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि किस तरह से FSH का लेवल, LH, प्रोजेस्टेरॉन का चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और क्या वो चेंजेस इंड्यूस करते हैं इन द ओवरी। तो आपको FSH का बताना है, जैसा मैंने पहले बताया था इस वाले पार्ट में कि FSH का हार्मोन जो लेवल है वो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होके, क्योंकि फॉलिकल पहले इंक्रीज हो चुका है तो फॉलिकल सेल मैच्योर हो रही हैं और फिर 14 डे को एनहांस होता है। ऐसे ही LH पहले लो है, स्लोली स्लोली हाई होता है और ये LH का जो सिक्रीशन होता है एकदम से जब हाई होता है तो दैट इट में रिजल्ट्स इनटू द LH सर्ज एंड इट रिजल्ट्स इनटू द ओवुलेशन। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया है उतने का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th कि रीड द ग्राफ एंड कोरिलेट द यूटराइन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोन लेवल। आपको ये ग्राफ देखना है और उसके अनुसार इसको कोरिलेट करना है कि कौन कौन सी यूटराइन इवेंट्स हो रही है इस दौरान में। तो सिंपली हम लोग देखें कि ये एस्ट्रोजन का लेवल दिखा रखा है और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दिखा रखा है और फिर इन्होंने ये दे रखा है कि आपको बताना है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं 6th to 15th डे। तो 6th to 15th डे जो इवेंट्स होते हैं वो यूजुअली हम इसको लेके चलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज लेके चलते हैं बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज आप लोगों को पता है जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान में ग्राफियन फॉलिकल जो होती है या हम सिंपली कहें प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है वो इस फेज में बनता है। नेक्स्ट 16 to 25 मीन्स ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन होके अब जो नेक्स्ट फेज है दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूटल फेज और ल्यूटल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। 26 to 28 अगर इसमें कंडीशन दे रखी है ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम्स डाउन एंड इट रिजल्ट्स इनटू अगेन द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी वापस से मेंस्ट्रुअल फेज। अब स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ हार्मोन मेंशन इन द ग्राफ, ये क्वेश्चन अलग से है, इसी का ही पार्ट है कि हार्मोन जो इसमें मेंशन कर रखे हैं उनका सोर्स क्या है। तो सिंपली आपको पता है एस्ट्रोजन का सोर्स होता है फॉलिकल सेल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है या प्राइमरी फॉलिकल होती है वो सेल्स रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होता है बच्चे कॉर्पस ल्यूटम। और ये हमारे क्वेश्चंस हो गए बच्चे, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।